नमस्कार बच्चों, मैं पी वेंकटराजन जिला परिषद उच्च पाठशाला मेड़ीपली में हिंदी अध्यापक के रूप में काम करता हूँ। तुम लोगों से मैं आज मिलने का कारण यह है कि दसवीं कक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रश्न पत्र में पहला एक वाक्य का प्रश्न हमें देखते हैं। पठित पद्यांश, अपठित पद्यांश, पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, इसके अंतर्गत पांच 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 कुल 20 प्रश्न दिया जाता है। एक एक प्रश्न के लिए एक अंक दिया जाता है। इन प्रश्नों के बाद लघु और सृजनात्मकता अभिव्यक्ति, इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न हमें दिया जाता है। एक लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न। लघु प्रश्न को एक एक प्रश्न के लिए 4 अंक दिया जाता है और दूसरा 7 अंक वाले प्रश्न दिया जाता है। आज हम लोग लघु प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लघु प्रश्न 21वां प्रश्न से लेकर 26वां प्रश्न तक दिया जाता है, उन्हें 4 अंक वाले प्रश्न भी कहते हैं। 4 प्रश्नों के लिए कुल 16 अंक हमें मिल जाता है प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह लिखने से। पहला प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को एक या दोबारा या तीसरा बार भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने से उस प्रश्न किस विषय के बारे में पूछा गया हमें मालूम पड़ता है। प्रश्न मालूम ना होने से उत्तर लिखना आसान नहीं होता। प्रश्न को पहले मालूम कर लेंगे, बाद में उस प्रश्न किस पाठ के अंतर्गत दिया है, किस विषय के बारे में दिया गया है, इन सारे अंशों को ध्यान में रखते हुए उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या लिखकर उत्तर लिखेंगे। कुछ उदाहरण के लिए मैं अभी 2 प्रश्नों को तुम्हारा सामने लाने का प्रयास करता हूँ, तुम लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो 2 प्रश्न लिखेंगे और उनके उत्तर भी लिखेंगे। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, इस अंश के अंतर्गत मैंने पहला कहा था लघु प्रश्न के बारे में तुम लोगों को आज मैं जानकारी देता हूं। एक एक प्रश्न के लिए हमें 4 अंक प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 21वां प्रश्न से लेकर 26वां प्रश्न तक यह प्रश्न हमें प्रश्न पत्र में मिलता है। पूरा 4 प्रश्न लिखने से 16 अंक हमें मिलता है। प्रश्नों का उत्तर लिखते समय हम लोग एक विषय जरूर रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि लिखावट
सुंदर रूप से माने सुंदर ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे। गलतियां वाक्यों का निर्माण की गलतियां, अक्षर गलतियां माने त्रुटियां लिखावट में नहीं आने देना चाहिए। इस तरह सुंदर लिखावट त्रुटियों का दूर करने से पूरा अंक हमें मिलने की आवश्यकता होता है। देखिए पहला प्रश्न, लक्ष्मी बाई की दृष्टि में मातृभूमि का क्या महत्व है? और एक बार, लक्ष्मी बाई की दृष्टि में मातृभूमि का क्या महत्व है? विषय क्या है यहां पर? मातृभूमि का महत्व। किनके दृष्टि में? लक्ष्मी बाई की दृष्टि में। इस बात इस प्रश्न स्वराज की नींव के अंतर्गत इस प्रश्न पूछा गया है। उस पाठ में लक्ष्मीबाई क्या किया है, किन किन लोगों से बात किया है, किसके बारे में बात किया है, ये सारे विषय हमें मालूम है। अभी इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। इस तरह लिखने से मानी जरूर रूप से चार पंक्तियों में एक एक प्रश्न का उत्तर लिखने की आवश्यकता है। इस विषय को तुम लोग ध्यान में रख ले। देखिए जवाब के बारे में चर्चा करेंगे। लक्ष्मी बाई मातृभूमि को माता के समान मानती है, मातृभूमि को माता के समान मानती है। वे मातृभूमि को अंग्रेजों के हाथों अपवित्र, क्या है, अपवित्र नहीं होने देने चाहती। वे भारत माता को गुलाम होते नहीं देख सकती। एक है अंग्रेजों के हाथों में अपवित्र नहीं होने देना चाहती है और भारत माता को गुलाम होते नहीं देख सकती है। वे यहां के समाज में फैले भेदभाव को मानी ऊंच नीच, अस्पृश्यता, इन सारे विषयों को मिठा करके वही है भेदभाव को भी दूर करना चाहती हैं। इसी कारण वे मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह लक्ष्मीबाई का जन्म धन्य हुआ है। इस तरह प्रश्न को समझने से ही इस तरह प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल सकते हैं। और एक प्रश्न हम देखेंगे, चार अंक वाले प्रश्नों के अंतर्गत कवि पक्ष भी पूछा जा रहा है। देखिए कवि पर रहीम के जीवन का और रचनाओं के बारे में तुम क्या जानते हो? फिर एक बार, कवि पर रहीम के जीवन काल और रचनाओं के बारे में तुम क्या जानते हो? रहीम के परिचय हमें नीति जो है पाठ के अंतर्गत दिया गया है, उस विषय को स्मरण में याद करने के लिए कवि पर रहीम हिंदी
साहित्य के भक्ति काल कवि थे, भक्ति काल कवि थे, वे अकबर के मित्र प्रधान सेनापति तथा मंत्री थे, वे अकबर के मित्र प्रधान सेनापति तथा मंत्री थे। उनका जीवन काल सन 1555 से लेकर 1556 से लेकर 1626 तक है, 1556 से लेकर 1626 तक है। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे। तीन भाषाएं उन्हें पूरा के पूरा आसानी से बात करते थे, रचनाएं लिखते थे और उनका भाषाओं का विद्वान माना जाता है। क्या क्या है वो? संस्कृत, फारसी और अरबी। वे दोहों के लिए प्रसिद्ध है। दो पंक्तियां वाले दोहा माना जाता है, मैंने तुम्हें पहला कहा था, उस तरह दोहों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है कवि रघुवीर जी। उनके रचनाएं रहीम सबसे बरवई नायिका में